हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस टेक्सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी उर्दू, और ये है आपके लिए नई रीडिंग यू वर्सेस देम फॉर वाटर साइंस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मैसेज है आपके लिए। ऑल्सो जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी कुछ जाने दो, टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट फ्रेंड्स। लेट्स सी फ्रेंड्स क्या चल रहा है, लेट्स सी वाटर साइंस आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में। पहले देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे फाइव ऑफ कप्स दिखा है फ्रेंड्स, तो आप लोग शायद मिस कर रहे हो, यू आर फीलिंग सैड। वाटर साइंस, व्हाट आर दे फीलिंग करंटली, थीम अबाउट देयर लव। द हाई प्रीस्ट, द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप काफ़ी एक रुक गई है, थम गई है, कुछ नहीं हो रहा। रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, मैरिज, यू नो, कमिटमेंट इशूज़ हैं यहाँ पे। आई ऑल्सो फील फैमिली, शायद आप लोगों के, यू नो, फैमिली, रिलीजन, कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं, मॉरल वैल्यूज़ आपको लग रहा है कि अफेक्ट कर रही हैं आपके कनेक्शन को। द हाई प्री, वो वाओ, ये तो पावर कपल आया है फ्रेंड्स। द हाई प्रीस्ट एंड द हाई प्रीस्टेस, आपको डेफिनेटली लगता है ये सही पर्सन है आपके लिए। या यू फील वेरी, यू नो, यू फील वेरी कनेक्टेड विद दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता है कि आपका एक अजीब सा कनेक्शन है, चाहे आप दोनों के अगेंस्ट दुनिया है, आप दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे को भुलाना भी चाहो तो आप और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आते जाते हो। यू नो, लाइक यू स्टार्ट, ये पर्सन कांटेक्ट में नहीं भी हैं आपके, तो भी यू फील फॉर देम, लाइक यू फील के वो आपके पास हैं, आपको महसूस होते हैं। वो सोचते हैं तो आपको पता चलता है, वो दुखी होते हैं तो आपको पता चलता है, आप दुखी होते हो तो उन्हें पता चलता है। आई ऑल्सो फील देर आर बिग प्रॉब्लम्स और बिग इशूज़ इन फ्रंट आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। रिलीजन, कल्चर, जैसे मैंने बताया ही है आपको, अथॉरिटी इशूज़ भी लग रहे हैं। Clarify the Eight of Swords. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, यू नो, जस्टिस, या आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ब्लॉक आ गया है, कुछ ब्लॉक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने आपके लिए फाइट नहीं किया है, या यू नो, दे नीड टू फाइट फॉर यू राइट नाउ। ऑल्सो ऐसा लग रहा है आप दोनों एक टीम हो, लेकिन बाकी लोग आपके कनेक्शन के अगेंस्ट हैं। लेट्स सी वाटर साइंस के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, करंट थीम क्या है। Ace of Cups, my God, this person really loves you, friend. Ace of Cups, look at that. बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन। I also feel कि आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट से चीज़ों को बदलना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। अगर नो कॉन्टैक्ट में थे आप लोग तो वो आपके पास आके, यू नो, फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। आपके पर्सन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज ही हो सकते हैं। मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी लग रहे हैं ये आपके पर्सन, हो सकते हैं फायर साइन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपके पर्सन डेफिनेटली फ्रेंड्स किसी मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब रही हैं, बहुत ही मुश्किल था वक्त उनके लिए, डिफ़िकल्टीज थी, चैलेंजेस था, लेकिन अब आई थिंक योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड आपकी तरफ। दे वॉन्ट कम्युनिकेट, मैसेज यू, दे वॉन्ट इवन मीट यू ऑल्सो। लेट अस सी, कुछ जगह ये भी हो सकता है 10% लोगों के लिए कि ये पर्सन जो है मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी आपसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि और ज़्यादा गहरी मोहब्बत हो गई। सो वॉट इज़ हैपनिंग विद वाटर साइंस इन दिस रिलेशनशिप। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन। आई फील थर्ड पार्टीज़ डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को बहुत अफेक्ट कर रही हैं फ्रेंड्स। यू नो, ऐसा लग रहा है कि यू नो, फैमिली इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस है और वो ही आप दोनों की लड़ाई के कारण बने हैं। फोर ऑफ वॉन्ट्स, मैरिज इज़ अ बिग प्रॉब्लम यहाँ पे। आई फील आप दोनों शादी करना चाहते हो लेकिन आपके पार्टनर कमिट नहीं कर पा रहे, या फैमिली कोई और चॉइस है उनके पास, फैमिली कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हो, आपके पार्टनर आपके साथ हैं, बट यू नो, इट इज़ लाइक क्या करें, कमिटमेंट इज़ अ बिग इशू यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, येस, आई फील आपके, आप, यू नो, आपके पर्सन, आप चाहते हो कि आपके पर्सन फाइट करें इस कनेक्शन को, या
आपका ज़्यादा साथ दें रेदर देन यू नो आपसे दूर रहने के या आपसे नो कांटेक्ट में रहने के, इसके बजाय आप चाहते हो कि वो आपका साथ दे, यू नो दे सपोर्ट यू. व्हाट इज वाटर साइंस पर्सन फीलिंग? पेज ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पर्सन. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई फील आपके पर्सन जो हैं बहुत ही आपको लेके एक्साइटेड फील करते हैं. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट अ न्यू, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कनेक्ट विद यू एंड कम्युनिकेट अपनी बातें और कमिटमेंट वगैरह. दे आर वेटिंग के कोई सही टाइम आए तो वो कमिट भी कर दें आपको. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की लाइफ में जो है इधर एंड और सिचुएशन है. या तो वो आपको चुन सकते हैं या फैमिली को, या आपको चुन सकते हैं या वर्क को, या तो आपको चुन सकते हैं या फैमिली के पर्सन को चुन सकते हैं. सो इट इज़ लाइक इधर और सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है. सो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है आपके पर्सन के लिए कि क्या करें और क्या नहीं करें. द लवर्स, उनके पास चॉइसेस हैं एंड डेफिनेटली दे फील अडिक्टेड टूवर्ड्स यू. दे फील आपके लिए स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे यू नो ना बोलें फैमिली को या अपने कमिटमेंट्स को, क्या करें. आई डू फील दिस पर्सन इज़ लाइक, आई एम सॉरी टू से वाटर साइंस, बट हो सकता है ये पर्सन आपके साथ भी और किसी और के साथ भी. आई एम सॉरी टू से दैट. सेवन ऑफ वॉन्स, आई फील दे वॉन्ट टू फाइट फॉर यू फ्रेंड्स. दे डेफिनेटली वॉन्ट टू फाइट फॉर इन फॉर यू इस कनेक्शन के अंदर. द एम्प्रेस, येस आई डू फील के शादी वो आपसे ही करना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं. आई ऑल्सो फील के मदर इज़ अफेक्टिंग इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा, और यही एक प्रॉब्लम है कि यू नो मदर और लवर के बीच में चुनना बहुत ही मुश्किल होता है. ऑल्सो वो आपको एक एम्प्रेस की एम्प्रेस की तरह देखते हैं. दे फील यू आर अमेजिंग क्रिएशन. वाओ फ्रेंड्स, आप लोग यू नो आप डेफिनेटली चाहते हो टू मैरी दिस पर्सन, और यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपैंड इन योर लाइफ. एक्सेप्टेंस, आई थिंक आपके पर्सन ने ना ऐसे कर लिया है कि अब जो हो रहा है होने दो मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता. परसेप्शन, आई थिंक आपके पर्सन सोच रहे हैं कि डेस्टिनी कुछ कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन. ऑल्सो ये उनका एक तरह का परसेप्शन है, वो चाहें तो कुछ एक्शन ले सकते हैं अभी भी. डेस्टिनी सी, यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि ये शायद डेस्टाइंड ही है, ऐसा होना ही था. आपने भी यही सोचना शुरू कर दिया है वाटर साइन के डेस्टिनी में होगा तो हम मिलेंगे, हमारी शादी होगी, और डेस्टिनी में था इसीलिए हम मिले थे. विक्टिम, आई थिंक आपके पर्सन जो हैं बहुत ही ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि सी मैं तो मजबूर हूँ, और मजबूर तो सभी होते हैं फ्रेंड्स. आप भी उतने ही मजबूर हो जितने आपके पार्टनर होंगे, राइट. रीच आउट, आई फील आपके पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि अब क्या करें सिचुएशन में. अपना फोकस भी वो चेंज करना चाहते हैं. आई थिंक वो काफ़ी गिव अप कर चुके हैं, जैसे हताश या निराश हो चुके हैं, बट दे लव यू फ्रेंड्स, दे स्टिल लव यू. चैलेंजिंग टाइम्स, आई थिंक आप भी काफ़ी डिफेंसिव हो गए हो अब इस सिचुएशन में वाटर साइंस. यू आर ऑल्सो कि अब सेल्फ प्रोटेक्शन पे आ जाओ. अवेटिंग रिजल्ट्स, बट आपको कहीं ना कहीं एक होप है कि ये पर्सन कुछ तो करेंगे. येस, द लव हारमोनी, आई फील फ्रेंड्स कुछ भी हो आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहोगे. आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है एंड आई फील आप दोनों में काफ़ी चांस है रिश्ते को ठीक होने का. और आप दोनों का यू नो आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अकेले हो, और एक दूसरे के साथ आप दोनों परफेक्ट, एक यू नो यू आर अ परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर. इससे बेहतर आपको पार्टनर एक दूसरे को नहीं मिल सकता फ्रेंड्स. मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग के साथ और डेस्टिनी के साथ आपके इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी. एडवाइस क्या है? ओह माय गॉड, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन. ओह आई थिंक आपको, आप लोग डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए फाइट करोगे, स्पेशली अगर मैरिज का इश्यू है. आई थिंक आप और आपके पार्टनर यू आर गोइंग टू फाइट एंड स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, पेंटिंग द सन बैक इन टू योर लाइफ. काफ़ी सारे लोग, आप लोग जो है अपनी खुशियों पर फोकस करने वाले हो. ट्री, लेट देम गो. या आई फील कुछ लोग, मुझे लग रहा है ये 50-50 है. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन और आप दोनों मिलके एक रेवोल्यूशन करोगे, एंड आई थिंक यू मे बी, आपका हो सकता है पार्टनरशिप इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल अराउंड यू, लेकिन आप फिर भी शादी करोगे या साथ रहोगे. 11-11 आपकी विश पूरी होगी. ऑल्सो कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स आप लोग मूव ऑन करोगे, बिकॉज यू फील के
आपके पर्सन, यू नो, यू माइट फॉर द टाइम बीइंग, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अभी सही वक्त नहीं है. तो लेट्स मूव ऑन. व्हाट इज द मैसेज फॉर वाटर साइंस फ्रॉम देयर पर्सन? यू विल नॉट बिलीव फ्रेंड्स कि मुझे अभी बैठे बैठे कुछ ना करने पे भी पसीने आ रहे हैं और कुछ भी नहीं करा है मैंने. आई एम जस्ट डूइंग रीडिंग्स, राइट? और यहाँ सब एसी वेसी भी चल रहा है. दैट्स हाउ हॉट इट इज़. माई गॉड, हर ईयर ज़्यादा ही गर्मी बढ़ती जा रही है. दिस इज़, वॉट इज़ दिस, ग्लोबल वार्मिंग? वॉट इज़ इट? आप लोगों के उधर मौसम कैसा है? अगर आप खुशनुमार मौसम में हैं तो बेहद मुबारक है आपको, सच में. यहाँ तो मौसम अमूमन तहे ही बेकार ही रहता है. आई एम स्केयर्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस कनेक्शन. ओ माई गॉड, आई थिंक काफ़ी मुश्किल होती जा रही है. मतलब बहुत ही इंटेंसली आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, एंड एट द सेम टाइम चॉइस उनको बहुत मुश्किल है, कठिन चॉइसेस हैं. आई डोंट लाइक यू राइट नाउ. ओ माई गॉड, आई थिंक आपके पर्सन, यू नो, आपने कहीं ना कहीं एक उनको दिया है कि सी तुम डिसाइड करोगे कि क्या करना है फ्यूचर में. तो कहीं ना कहीं उससे आपके पर्सन परेशान है. ट्विन फ्लेम्स या 11-11, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं और इसीलिए शायद इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है आपको फैमिली से, कल्चर, रिलीजन से. ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, आई फील आपके पर्सन का हार्ट चक्रा डेफिनेटली ओपन हो रहा है, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स उसी को बता रहा है. फैमिली टाइज, येस, फैमिली और कार्मिक इशूज़ अफेक्ट कर रहे हैं. या तो आप दोनों मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. यू ट्रिगर माई पास्ट वूंड्स, येस, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही इंटेंसली अफेक्ट करते हो. आई फील द कनेक्शन इज़ फेडिंग. माई गॉड, आपके पर्सन, अगर आप अपने पर्सन से दूर जाते हो ना तो आपके पर्सन को फील होता है. फ्रेंड्स, यू कैन एक्सपेक्ट अ मिरेकल सून इन दिस कनेक्शन. आई नीड मोर टाइम टू थिंक. आई थिंक आपके पर्सन को टाइम चाहिए ताकि वो आपसे प्लान बना सकें कि क्या करना है फ्यूचर में, कैसे सबसे, यू नो, रेवोल्यूशन कैसे लाएं. देर इज़ सो मच दैट आई हैव नेवर सेड टू यू. कह डालो यार दिल की बातें, मन में ना रखो यारो, जिंदगी बहुत ही छोटी होती है, जल्दी जल्दी जाती है, इसलिए कह देना चाहिए मन में जो भी हो. इकरार मोहब्बत और इजहार इश्क में मज़ा है. सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू. और इतनी अच्छी रीडिंग के बाद भी हमें कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, क्या करें, एल्गोरिथम किसी को दिखाता ही नहीं है आजकल. लेट इट बी. मेरी, मैं तो हंसती और खुश रहूँगी फ्रेंड्स. यूट्यूब का जाने वो क्या करना चाहते हैं. आप और हम तो मुस्कुराते ही रहेंगे, राइट? सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. अभी के लिए बाय बाय.